हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज सीएस वेब चितलांग है। आप सबका स्वागत है कॉर्पोरेट फाइनेंस के ब्रांड न्यू लेक्चर में। हम लोग फिलहाल देख रहे हैं आईसीडीआर रेगुलेशंस, जहां पे हम लोग राइट इशू वाला पार्ट पढ़ रहे थे। आईपीओ कंप्लीट हो चुका है, एफपीओ कंप्लीट हो चुका है, तीसरा हमारा राइट इशू चल रहा है। राइट इशू भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। हम लोगों ने देख लिया था राइट इशू क्या होता है, क्यों करते हैं, व्हाट इज प्रीएम्पशन, व्हाट इज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, व्हाट इज डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। फिर हमने देख लिया था कौन कौन राइट इशू नहीं कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होते हैं राइट इशू करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखा था रिकॉर्ड डेट कैसे अनाउंस किया जाता है, रिकॉर्ड डेट के बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो राइट इशू की, या तो अगले 12 महीने तक आपको सिक्योरिटीज देने देंगे नहीं। फिर लीड मैनेजर अपॉइंट करना पड़ता है, डिस्क्लोजर्स देना पड़ता है आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में, ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सभी के पास जाता है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिक कमेंट्स के लिए हम लोग खोल के रखते हैं। वो सारी चीजें पूरी सेम थी आईपीएफपीओ वाली। उसके बाद हम लोग ने प्राइसिंग के बारे में देखा था, तो प्राइसिंग जो भी है बस इतना याद रखना फेस वैल्यू के नीचे नहीं हो सकता, अदरवाइज द कंपनी फ्री टू डिसाइड अबाउट अपॉन द प्राइसिंग। रिजर्वेशन के बारे में हम लोग ने बात किया था कि अगर मान लो आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट इशू कर रहे हो तो आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कोई भी सिक्योरिटीज है उनके लिए। क्यों? बिकॉज उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट ऑलरेडी आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में है। ठीक है, एक पार्ट यहाँ पे हम लोग ने छोड़ा था राइट एंटाइटलमेंट का, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एम्प्लॉयज के लिए भी चाहो तो कर सकते हो, 2 लाख से बढ़ना नहीं चाहिए, बट अगर मान लो सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है तो फिर 5 लाख तक जा सकते हैं। अब्रिज लेटर ऑफ ऑफर के बारे में पढ़ा था, अवेलेबिलिटी ऑफ ये लेटर ऑफ ऑफर वगैरह किसके किसके पास होना चाहिए। राइट एंटाइटलमेंट अगेन हम लोगों ने स्किप किया था। उसके बाद कंडीशंस हमने देखा था कि अगर प्लेन पेपर में आपको एप्लीकेशन देना है तो उसके कंडीशंस क्या क्या होते हैं। प्लेन पेपर और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों जमा किया तो दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट, अंडरराइटिंग, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सब चीज देना पड़ता है इंजीनियर टाइप के लोगों के लिए जिनको ये सब रूल्स नहीं पता है। देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन पीरियड हम लोगों ने देख लिया था, पेमेंट का क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया था, एंड प्रॉपर प्रोसीजर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ऑफ राइट इशू। राइट, तो ऑल इन ऑल आपका राइट इशू मोर और लेस खत्म हो चुका है। हमें बस एक टॉपिक अभी देखना है, डीमैट राइट्स एंटाइटलमेंट, एंड उसके बाद ये जनरल ऑब्लिगेशंस और डॉक्यूमेंटेशन जो कि बहुत बेसिक है। नाउ ये होता क्या है ये समझो, डीमैट राइट एंटाइटलमेंट्स ना एकदम बेसिकली एक बेसिक तरीके से इसको समझना। ठीक है, सेबी ने अभी रिसेंटली ही एक सर्कुलर के थ्रू इसको बनाया था। अब होता क्या है, आज कंपनी ने राइट्स किया, ठीक है, अब से ईसॉप के टाइम पे, ईसॉप इज ऑल्सो कन्वर्टेबल, वो एक राइट है जो आप अपने उनको देते हो, एम्प्लॉयज को देते हो कि अभी हम तुमको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन आगे जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मान लो बीच में 1 साल का गैप रहता है तो वो मेरे नाम पे वो ऑप्शन है, वो ऑप्शन सबको पता ना मेरे नाम पे, उसके लिए हो सकता है मेरे पास एक ईमेल होगा या कोई लेटर होगा, आई हैव सम प्रूफ कि मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, अब राइट्स इशू के केस में ये चीज आप जब फिजिकल शेयर्स वगैरह होता था तो फिजिकल एप्लीकेशन के थ्रू कर लेते थे, बट अभी जब सब चीज डीमैट होता है तो आप कैसे किसी शेयर होल्डर को ये चीज बताओगे कि तुम्हारे पास राइट्स का एंटाइटलमेंट है। तो अब होता क्या ये समझो, हर एक सिक्योरिटी का ना एक अपना ISIN नंबर होता है। सो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की जो सिक्योरिटी है, रिलायंस के जो शेयर है उनका अपना ISIN नंबर है। ठीक है, अब करती क्या है कंपनी, कंपनी ये जो राइट है आपका जो आप एक्सरसाइज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो या रिनाउंस भी कर सकते हो, उस राइट को भी एक सिक्योरिटी का फॉर्म दे देती है। ठीक है, उस सिक्योरिटी को जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन सबके अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगी। अब होगा कैसे आप देखो, अगर मान लो आई एम दी शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस, ठीक है, रिलायंस के मेरे पास 10 शेयर है एंड उन लोग हर 2 शेयर पे 1 राइट दे रहे हैं, तो मतलब मेरे पास राइट्स कितने आ जाएंगे, कितने शेयर्स के राइट्स आएंगे, 5। तो अगर मेरा आप डीमैट अकाउंट देखोगे ना तो मेरे डीमैट अकाउंट में RIL के 2 चीजें दिखेंगी, एक मेरे 10 शेयर्स दिखेंगे जो 1 ISIN नंबर के होंगे और एक मेरे 5 राइट्स एंटाइटलमेंट दिखेंगे कि रिलायंस ने मेरे को इन राइट्स को दे दिया है। इट इज नथिंग बट राइट इज अ कॉन्सेप्ट, राइट का ऐसा कोई फिजिकल फॉर्म होता है क्या, नहीं होता है। हम लोगों ने बोला नहीं, राइट जो है उसको भी तुम सिक्योरिटी का फॉर्म दो और वो सिक्योरिटी लोगों के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब अगर मान लो आगे जाके इसका भी एक अलग ISIN होगा, आगे जाके अगर मान लो हम ये राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो ये 5 राइट्स से मेरे को यहां पे शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा और ये मेरे 15 शेयर्स बन जाएंगे। अगर मान लो मैंने उसको रिनाउंस कर दिया, मैंने उसको रिनाउंस किया इन फेवर ऑफ श्रीकांत, ठीक है, तो ये जो राइट एंटाइटलमेंट है उठ के अब किसके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा, श्रीकांत के डीमैट अकाउंट में चला जाएगा। राइट गया है, शेयर गया है क्या, शेयर तो नहीं गया, तो अब इससे ईज क्या हो गया, बहुत क्लियरली आप ट्रेस कर पाते हो कि ये राइट्स किसके पास है। अभी अगर मेरे डीमैट अकाउंट में तो मेरे पास राइट्स है, अगर मैंने रिनाउंस कर दिया तो रिनाउंस करना, राइट्स में ट्रेड करना, ये सब बहुत ईजी हो गया इसके वजह से। ठीक है, तो राइट एंटाइटलमेंट कुछ नहीं है, इट इज द राइट ऑफ अ शेयर होल्डर इन अ राइट्स इशू गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ सिक्योरिटी। उसको आप एक अलग ISIN नंबर दे देते हो तो किसी भी शेयर होल्डर को जिसको राइट इशू किया गया है उसके डीमैट अकाउंट में 2 चीजें दिखती है एक ही कंपनी का, एक तो जो उसके पास ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स है उस कंपनी का एंड दूसरा राइट एंटाइटलमेंट।
अब अगर मान लो मेरे को बोला गया 3 महीने के अंदर अंदर मेरे को ये एक्सरसाइज करना है, नहीं तो ये एक्सपायर कर जाएगा, मान लो ऐसा कुछ बोला गया है, तो 3 महीने तक ये मेरे अकाउंट में दिखेगा। अगर 3 महीने के अंदर मैंने इसको एक्सरसाइज कर लिया तो दिस विल गेट कन्वर्टेड, ये क्या हो रहा है, हाँ, तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, राइट एंटाइटलमेंट खत्म हो जाएगा, शेयर्स बढ़ जाएंगे। 3 महीने मैंने एक्सरसाइज नहीं किया तो ये 3 महीने के एंड में ऑटोमेटिकली एक्सपायर करके मेरे डीमैट अकाउंट से बाहर चल जाएंगे। तो उस ड्यूरेशन के लिए जब तक मेरे पास ये राइट एक्सरसाइज करने का ऑप्शन है, मेरे को अपने डीमैट अकाउंट में ये अलग से एक राइट एंटाइटलमेंट दिखेगा। समझ में आया? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीमैट राइट एंटाइटलमेंट। अभी क्यों पढ़ेंगे ना, आपने दिया गया, इट इज अ राइट एंटाइटलमेंट। सिक्योरिटी में आपने क्या पढ़ते हैं, बॉन्ड्स, डीड्स, बहुत तरह के होते हैं, राइट, वैसे एक ये है राइट एंटाइटलमेंट है, सिक्योरिटी के फॉर्म में है, मतलब ये आपके अकाउंट में एज अ सिक्योरिटी आपको दिखेगा, बट है नहीं, है सिक्योरिटी नहीं है, ये एज अ सिक्योरिटी दिखेगा जो आगे जाके प्रोस्पेक्टिव सिक्योरिटी है आपका। समझ आया? जिनके पास ये राइट एंटाइटलमेंट है, जिनके अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट है, वही लोगों को राइट मिलता है कि वो लोग अपना जाके शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स राइट इशू को एक्सरसाइज कर सकते। अगर मैंने ऐसा रेशियो बनाया तो, अगर रेशियो है 5 शेयर्स पे 1 राइट एंटाइटलमेंट, तो उस हिसाब से कंपनी डिसाइड करती ना, राइट इशू में कंपनी को कितना राइट देना है, किस प्रोपोर्शन में राइट देना है, वो कंपनी डिसाइड करती है। तो उस प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको जितने शेयर्स खरीदने का राइट है, अब अभी तो राइट है, आपने शेयर्स खरीदा नहीं है, तो हम शेयर्स तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे अकाउंट में कुछ दिखना चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग बिकॉज दिस राइट इज ऑफ वैल्यू ना, आई वॉन्ट दैट, तो फिर वो आपको किस फॉर्म में दे दिया जाता है, राइट एंटाइटलमेंट के फॉर्म में दे दिया। अब सेबी ने जब सर्कुलर निकाला तो सेबी ने इसको बोला ही है डीमैट राइट एंटाइटलमेंट, मतलब ये लोगों के डीमैट अकाउंट में ही जाएगा जाएगा, ठीक है। अब मान लो कोई एक कंपनी थी जिस कंपनी का बहुत पहले मतलब एक फिजिकल शेयर होल्डर था, जिसने आज तक डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कराया, हो सकता है उसका डीमैट अकाउंट होगा नहीं, तो आप डीमैट राइट एंटाइटलमेंट को उसको कैसे दोगे फिर? समझो मेरा क्वेश्चन, अगर इफ आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस, मेरे पास शेयर्स डीमैट फॉर्म में, मतलब मेरा डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, तो मेरा राइट एंटाइटलमेंट मेरे अकाउंट में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो देयर इज अ शेयर होल्डर हु होल्ड्स रिलायंस का शेयर्स इन अ फिजिकल फॉर्म, ठीक है, सम रीजन के वजह से उसके पास फिजिकल फॉर्म में है एंड उसके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, तो फिर ये राइट एंटाइटलमेंट कैसे दोगे आप उसको? तो फिर राइट एंटाइटलमेंट कैसे दोगे आप उसको? तो बट अब बैठ के हम उसका फिजिकल अकाउंट, फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करें डीमैट में और फिर उसको राइट एंटाइटलमेंट दे। अच्छा, उसने अपने शेयर्स को फिजिकल से डीमैट कन्वर्ट नहीं कराया, ये प्रॉब्लम किसका है, उसका है, गलती किसकी है, उसकी है, तो कंपनी क्यों माथा लगाएगी? तो कंपनी बोलेगी हम तुमको देंगे नहीं, मतलब तुम्हारे पास राइट है बट तुमको राइट एंटाइटलमेंट करके कुछ भी तुम्हारे अकाउंट में नहीं दिखने वाला, कभी भी ये राइट एंटाइटलमेंट फिजिकल फॉर्म में नहीं जा सकता, इसका नाम ही है डीमैट राइट एंटाइटलमेंट। तो अगर आप एक ऐसे शेयर होल्डर हो जिसके पास फिजिकल शेयर्स है, आपको अपना डीमैट अकाउंट अलग से खुलवाना पड़ेगा एंड उस डीमैट अकाउंट का आप डिटेल्स दे दो। हम ये कभी नहीं बोल रहे कि आपका शेयर्स डीमैट फॉर्म में तभी आपको शेयर्स मतलब सॉरी डीमैट राइट एंटाइटलमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप शेयर्स रखो फिजिकल फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अगर राइट एंटाइटलमेंट चाहिए तो आपको को एक डीमैट अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो जाएगा ही जाएगा आपके डीमैट राइट एंटाइटलमेंट डीमैट फॉर्म में। समझ में आया? तो डीमैट राइट एंटाइटलमेंट समझ में आया? अब एक बात बताओ, हम लोगों ने जब ये कॉन्सेप्ट ले आया, अब कल अगर रिलायंस राइट इश्यू करती है तो सबसे पहले वो क्या करेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जितना उनका राइट एंटाइटलमेंट है वो सब ट्रांसफर कर, ठीक है। तो अब अंडर लॉ पहला ऑब्लिगेशन क्या आ गया, जो हम लोगों ने ऊपर एक पॉइंट स्किप किया था ना, वहां पे आ जाओ, कौन सा पेज में था वाला, ये वाला, ये वाला 8 पॉइंट नहीं, इसके ऊपर वाला पॉइंट, हाँ नहीं नहीं यहीं पे देखो, अब यहां पे समझो क्या दिया गया है, राइट एंटाइटलमेंट शैल बी क्रेडिटेड टू द डीमैट अकाउंट बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द इशू। क्यों? आपका इशू खुला तो उस समय तो जिन लोग को एक्सरसाइज करना है वो एक्सरसाइज करेंगे ना अपना, मेरे को पहले से बता के रखोगे कि नहीं कि मेरे को राइट एंटाइटलमेंट है कि नहीं है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा एक दिन पहले से कि मेरे को राइट है कि नहीं, हम अपना डीमैट अकाउंट चेक कर लेंगे, मेरे डीमैट अकाउंट में अगर राइट एंटाइटलमेंट्स दिख रहे हैं मतलब आई हैव द राइट कि आने वाला जो इशू पीरियड है उसमें हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो राइट एंटाइटलमेंट आपके इशू खुलने के पहले ही सारे शेयर होल्डर्स जिनके पास वो राइट है उनके डीमैट अकाउंट में चला जाना चाहिए। समझ आया? एंड राइट इशू कैन ओनली बी डन इन डीमैट फॉर्म, दैट इज सिंपल। उसके ऊपर हम लोग जितना अब देखो कंपनी आपको कितने शेयर्स लेने का राइट दे रही है ये हर कंपनी अपना डिसाइड कर सकती है। हो सकता है कोई कंपनी बोलेगी 1:1 में हम दे रहे हैं, जितने शेयर्स है उतने एडिशनल शेयर्स खरीदने का राइट दे रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है उसमें।
कंपनी अपना जो इशू मतलब अपना जितना का इशू करेगा उसको डिवाइड कर देगा अमंगस्ट द शेयर्स. अगर मान लो कंपनी का पहले से शेयर कैपिटल 1 करोड़ का है, कंपनी को 3 करोड़ शेयर्स और 3 करोड़ और रेस करना है, तो रेशियो बन जाएगा 1:3. जिसके पास एक शेयर है उसको 3 और शेयर्स खरीदने का राइट दे रहे हैं. समझ पाया? वही उल्टा कर लो. कंपनी के पास शेयर कैपिटल 3 करोड़ का है, कंपनी को 1 करोड़ रेस करना है, तो रेशियो बन जाएगा 3:1. जिसके पास 3 शेयर है उसको हम 1 शेयर दे रहे हैं. तो ये डिपेंड करता है कितना बड़ा आपको इशू करना है और आपका ऑलरेडी कैपिटल कितना बड़ा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं. समझ पाया? तो राइट एंटाइटलमेंट क्या होता है, समझा? राइट एंटाइटलमेंट इज नथिंग. पहले हम आपको बस बता देते थे कि आपको राइट है शेयर्स खरीदने का. कैसे बताते थे? एप्लीकेशन फॉर्म और अब्रिज प्रोस्पेक्टस भेज के. अब हम आपको बताते तो ही, एंड एट द सेम टाइम आपके डीमैट अकाउंट में एक सिक्योरिटी फॉर्म का एक मतलब एक फॉर्म का सिक्योरिटी डाल देते हैं जिसका नाम होता है राइट एंटाइटलमेंट. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ सिक्योरिटी, इट्स नॉट अ सिक्योरिटी, बट एक टाइप है जहां पे आप एक राइट एंटाइटलमेंट करके डाल देते हो, सो दैट जो लोगों का डीमैट अकाउंट है जिसमें वो ट्रेड कर रहे हैं उन्हें पता रहे कि मेरे पास ये राइट एंटाइटलमेंट है. तो ये बहुत सीमलेसली आप उसको एक्सरसाइज कर पाओगे. होगा क्या, मेरे हिसाब से हम कभी देखे नहीं इसको डीमैट अकाउंट में आते हुए मेरे, बट मेरे हिसाब से क्या होगा, आपका अगर राइट एंटाइटलमेंट आया तो आप वहीं पे 2 ऑप्शंस दे दोगे, 3 ऑप्शंस दे दोगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या रिनाउंस. शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं करना है. शेयर्स खरीदना है तो इश्यू पीरियड के दिन के बीच में एक्सेप्ट कर लेगा, पेमेंट कर देगा, बात खत्म. अगर उसे शेयर्स रिजेक्ट करने हैं वहीं पे रिजेक्ट कर देगा. रिनाउंस करना है तो रिनाउंस करने के बाद जो अगला आदमी है उसका डीमैट अकाउंट नंबर दे देगा जिसके फेवर में रिनाउंस कर रहा है. मतलब ये बहुत सीमलेसली हो गया. अदरवाइज एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक लेटर भेजो वापस सामने वाले को, क्योंकि डीमैट आपके ये शेयर्स तो आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला ना, तो आपको उसे लेटर भेजना पड़ेगा, मेल भेजना पड़ेगा, उसको पैसा फिर अकाउंट में भेजना पड़ेगा. ये सब पंगा को हटाने के लिए हम लोग ने बोला तुम एक सिक्योरिटी फॉर्म दे दो, राइट एंटाइटलमेंट उसके अकाउंट में दे देना. अब बिकॉज ये एक्सरसाइज करने का टाइम आपका इशू पीरियड है, तो ऑब्वियस की बात है राइट एंटाइटलमेंट आपके अकाउंट में इशू पीरियड स्टार्ट होने के पहले आ जाना चाहिए. कब जाएगा? वो तो मेल पे जाएगा ही जाएगा, बट एट द सेम टाइम दिस इज एन एडिशनल थिंग जो हम लोगों ने प्रोसेस को इजी करने के लिए किया. समझ में आया सबको? क्योंकि लोग रोज बैठ के तो अपना डीमैट अकाउंट नहीं देखते ना. मेरे को हो जाता है 10-15 दिन डीमैट अकाउंट देखे हुए, नेवर नो. समझ में आया सबको? तो देख लेते राइट एंटाइटलमेंट है क्या. ठीक है, नाउ अब इसके लिए रूल्स क्या क्या ये समझो. जब भी आपका इश्यूअर आपको लेटर ऑफ ऑफर भेजेगा या अब्रिज प्रोस्पेक्टस भेजेगा, तो उसे उसमें बताना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में किस तरीके से हम क्रेडिट करने वाले हैं राइट एंटाइटलमेंट. ठीक है, राइट एंटाइटलमेंट इज नॉट द शेयर ऑफ दिस कंपनी, तो आप उसको सेम ISIN दे नहीं सकते हो. ठीक है, लेकिन उसको अगर आपको डीमैट अकाउंट में डलवाना है तो आपको उसे एक ISIN देना ही पड़ेगा. तो एक टेम्परेरी ISIN लिया जाता है जो अलग होता है आपकी कंपनी के शेयर से, सो दैट आप उसको अपने शेयर होल्डर्स के अकाउंट में डाल सको. कब डालना होगा शेयर होल्डर्स के अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट? इशू ओपनिंग से एक दिन, एटलीस्ट एक दिन पहले. उससे पहले भी डाल सकते हो क्या? आराम से डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इशू ओपनिंग से एटलीस्ट एक दिन पहले तो आपको डालना ही पड़ेगा. फिजिकल शेयर होल्डर्स की बात करो तो क्या उन्हें हम फिजिकल राइट एंटाइटलमेंट दे सकते हैं? नहीं, राइट एंटाइटलमेंट होता ही डीमैट है, तो उन्हें अपना डीमैट अकाउंट देना पड़ेगा इश्यूअर को, उसका डिटेल्स वगैरह देना पड़ेगा. कब? इशू क्लोज होने के एटलीस्ट 2 दिन पहले तक. क्यों? अब ये हो इशू क्लोज होने के 2 दिन पहले क्यों बोला गया? आज मेरे पास फिजिकल शेयर्स थे, ठीक है, फिजिकल शेयर्स थे, मेरा कोई डीमैट अकाउंट का डिटेल्स नहीं था कंपनी के पास. राइट इशू किया कंपनी ने, कंपनी ने जिसका जिसका डीमैट अकाउंट था सबके अकाउंट में तो डाल दिया. अब मेरा जब इन्फॉर्मेशन नहीं तो मेरे को तो नहीं डाल पाया. ठीक है, तो हम लोगों ने बोला शेयर होल्डर का, अच्छा शेयर होल्डर का फायदा कब होगा? अगर आप उसको बोलोगे कि इशू ओपन होने के पहले दो या इशू क्लोज होने के पहले दो, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, मैंने ये बोला क्या कि इशू क्लोज होने के बाद भी दे सकते हो? इशू क्लोज होने के एटलीस्ट 2 वर्किंग डे पहले देना है आपको, तो आपके पास 2 दिन तो फिर भी रहेगा एक्सरसाइज करने के लिए. बट हम क्या बोलना चाह रहे हैं ये समझो. एक ऑप्शन, अच्छा एक इशू है जो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को और खत्म हो रहा है 10 जनवरी को. ठीक है, राइट इशू है 1 जनवरी को खत्म स्टार्ट हो रहा है, 10 जनवरी को खत्म हो रहा है. एक सिचुएशन ऐसा है जहां पे आपने बोला कि जो भी फिजिकल शेयर होल्डर्स है उन्हें अपना डीमैट अकाउंट का डिटेल 1 जनवरी के पहले दे देना है. 1 जनवरी के बाद दो तो आपको राइट एंटाइटलमेंट्स नहीं मिलने वाले. ठीक है, दूसरा सिचुएशन है आपने शेयर होल्डर को बोला तुम 8 जनवरी के पहले कभी भी लाके दे सकते हो. शेयर होल्डर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या है? 8th वाला. क्यों? बिकॉज उसको लंबा टाइम पीरियड मिला ना. तो आप हमेशा शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो. तो यहां पे भी सेबी ने बोला अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसको मन है राइट्स एक्सरसाइज करने का, तो उसके लिए तो 8 से लेके 10 तक 2 दिन भी काफी है एक्सरसाइज करने के लिए. तो उसको हम एकदम जब तक पॉसिबल है तब तक का टाइम देंगे कि चलो ठीक है तुम आज तक नहीं दे पाए तुम कल दे देना, कल तक नहीं दे पाए तुम परसों तक दे देना. कंपनी का ऑब्लिगेशन ओपनिंग के पहले हो जाना चाहिए, बट शेयर होल्डर का ऑब्लिगेशन हम आपको जहां तक पॉसिबल है वहां तक दे रहे कि जब तक हो सके आके दे देना. समझ पाया?
8 से मतलब 2 डेज प्रायर क्यों बोला गया? आपने आज दिया तो कल जाके क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, कल क्रेडिट होगा तो एक्सरसाइज करने के लिए तो एक दिन चाहिएगा ना। तो सेफ साइड में रहने के लिए हम लोगों ने लास्ट का 2 दिन आपको अलाउ नहीं किया, लेकिन क्लोज होने के एटलीस्ट 2 दिन पहले तुम कभी भी लाके दो, हम तुम्हारा बात मान लेंगे। क्यों किया गया? बिकॉज ये शेयर होल्डर है एंड सभी ने शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। अब मान लो मेरे घर में शादी थी 31 दिसंबर तक और मेरे दिमाग से निकल गया, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, बट 1 जनवरी ऑनवर्ड्स तो मार्केट में हल्ला रहेगा। आप पब्लिक एडवर्टीजमेंट करोगे, लोगों को पता चलेगा राइट इशू का ओपन हो चुका है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद मेरे को ओपन होने के बाद याद आए या मेरे नोटिस में ओपन होने के बाद आए। तो अगर आपने ऐसा रूल बना दिया होता कि ओपन होने के पहले ही इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स का नुकसान हो जाता। एंड सेबी ऐसा कोई रूल नहीं बनाती है जहां पे सेबी का शेयर होल्डर्स का नुकसान हो। तो सेबी ने बोला कोई बात नहीं, तुम शेयर होल्डर हो, तुम तो मेरे सगे हो, तुमको हम बोल रहे क्लोजिंग के 2 दिन पहले तक लाके देना। आपको लॉजिक समझ में आया? ये कुछ बेसिक चीजें याद ही रखो, मतलब शेयर होल्डर की बात होगी तो सेबी मैक्सिमम बेनिफिट जहां तक हो सकता है देगा, अगर शेयर होल्डर्स की अगेंस्ट की बात होगी तो हमेशा उसको कटेल करके रख देगा, हमेशा इश्यूअर के ऊपर ऑब्लिगेशन ज्यादा हैवी डाल के रखेगा, ठीक है। तो फिजिकल शेयर होल्डर्स को अपना डीमैट अकाउंट का डिटेल्स क्लोजिंग के 2 दिन पहले तक देना पड़ता है, सो दैट उनके जो राइट एंटाइटलमेंट्स है वो चले जाए, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। अब देखो यहां पे लॉजिक भी दिया हुआ है, सो दैट द क्रेडिट इन डीमैट अकाउंट टेक्स प्लेस एटलीस्ट 1 डे बिफोर द इशू डेट। आपका 9th को हो गया, 10th को आपने एक्सरसाइज कर लिया, बात खत्म हो गई। बट भाई हम 9th को अगर आप इन्फॉर्मेशन देते, 10th को आपके अकाउंट में क्रेडिट होता, आप एक्सरसाइज कब करते? इसलिए लास्ट का 2 दिन छोड़ा गया है कि एक दिन क्रेडिट होने के लिए, एक दिन एक्सरसाइज करने के लिए, तब तक तुम जाके दे सकते हो। समझ में आया? नाउ मजे की बात देखो, आरीज को आप सेकेंडरी मार्केट में आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो पहले हम लोगों ने जब रिनाउंस करने का बात पढ़ा, अभी थ्योरेटिकली बहुत इजी लगता है कि हाँ आप अपने राइट्स इशू को रिनाउंस भी कर सकते हो, ठीक है, मेरे को रिलायंस से राइट्स इशू आए, हम रिनाउंस करने का सोच रहे हैं, मेरे को मिलेगा कौन रिनाउंस करने के लिए? आपने मेरे को राइट दिया ना, हाउ विल आई गेट समबडी टू रिनाउंस? आप बोलोगे अपने घर वालों को कर दो, तो वो तो मेरे पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट ही हो गए, राइट? तो आपने मेरे को एज एन इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी कहां दिया? कैसे हम जाके लोगों को खोजे किसको चाहिए? तो अगर रिनाउंस ही करना, अच्छा रिनाउंस करने का ये तो कोई रूल नहीं होता ना कि आप केवल शेयर होल्डर को ही रिनाउंस करोगे, रिनाउंस हम पब्लिक में किसी को भी कर सकते हैं, बस फर्स्ट टाइम कंपनी जब देगी तो शेयर होल्डर को देना है। तो रिनाउंस करने का सबसे इजी तरीका हमने क्या बोला, ये राइट एंटाइटलमेंट को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर दो, जिसको खरीदना खरीदेगा, जिसको बेचना है बेचेगा, रिनाउंसिएशन ही है ना। मेरे अकाउंट में आया राइट एंटाइटलमेंट, मेरे को एक्सरसाइज नहीं करना है, हम ट्रेड कर दिए, आपको खरीदना था आप खरीद लिए, कोई फर्क पड़ता है क्या कौन बेच रहा है और किस कौन खरीद रहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सो अब समझ में आया क्यों राइट एंटाइटलमेंट दिया गया? बिकॉज हमें रिनंसिएशन को ईजी कराना था, हमें उसका ट्रेडिंग स्टार्ट कराना था, उस राइट का ट्रेडिंग स्टार्ट कराना था, ठीक है। इसका T+2 रोलिंग सेटलमेंट होगा, इक्विटी शेयर जैसे नहीं होना चाहिए। रिनाउंस करने का हम सबसे पहले यही बोले थे, आपको राइट कंपनी जिसको भी देगी वो शेयर होल्डर रहेगा, बट आपका शेयर होल्डर किसके फेवर में रिनाउंस कर रहा है उसका शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं होता है। क्या फायदा होगा मतलब कंपनी शेयर होल्डर का कौन सा फायदा? नहीं, कंट्रोल वाला फायदा। मैंने आपको मौका दिया शेयर खरीद लो, अपना कंट्रोल चेंज मत होने दो, आपको नहीं चाहिए। अब अगर शेयर होल्डर को ही नहीं चाहिए, वो रिनाउंस करने के रेडी, तो हम क्यों रोके उसको? हाँ अच्छा, रिनाउंस करने का डिसीजन किसने लिया है? बस शेयर होल्डर को अपना पूरा इंडिपेंडेंस है। नहीं नहीं, 950 का 950 में ही बेचेगा ना, वो थोड़ी होता है कि नहीं मेरे को 950 का राइट मिला है, 25 मेरे को दे उतना उसको, वैसे वो नहीं होता, ठीक है, समझ में आया सबको। अब ये चीज सोचो ना, अगेन यहां पे आपने क्या किया, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन दे के रखा है कि तुम शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दो, ठीक है, बट शेयर होल्डर्स तुम्हें मन है तो एक्सेप्ट कर लेना, नहीं मन है तो रिजेक्ट कर लेना, मन करे खेलने का तो रिनाउंस कर देना। किसके फायदे का ये पूरा कॉन्सेप्ट? पूरा तो शेयर होल्डर्स के फायदे का है, राइट? समझ में आया? किसको कंसिडरेशन कैसे मिलेगा? ये नॉर्मल आपका जैसे ट्रेडिंग होता है, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग होगा। अब आप मान लो जैसे ये जो बोला उसी का क्वेश्चन तुम आगे पूछ रहे कि अगर मान लो मेरे में 4 राइट एंटाइटलमेंट्स आए, हम उसको ट्रेड करेंगे तो बदले में मेरे को कुछ तो मिलना चाहिए, बहुत मिनिमल अमाउंट होता है, बहुत मिनिमल अमाउंट होता है, उसी पे ट्रेड हो जाता है, समझ में आया? क्योंकि सामने वाला इंसान फिर जो खरीद रहा है उसको 2 बार पैसा देना पड़ जाएगा, एक बार उसको पैसा देना पड़ जाएगा राइट एंटाइटलमेंट खरीदने के लिए, और एक बार उसको कंपनी में इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए पैसा देना पड़ जाएगा। तो वो नहीं करते, ये ट्रेडिंग बहुत मिनिमल अमाउंट में हो रहा है, बिकॉज द आइडिया ऑफ ट्रेडिंग ऑफ राइट एंटाइटलमेंट इज नॉट टू मेक प्रॉफिट्स फॉर इन्वेस्टर्स। शेयर होल्डर्स जिनको राइट मिला है उन्हें प्रॉफिट दिलाना नहीं आइडिया, आइडिया उन्हें रिनाउंस करना ईजी बनाना है, तो बहुत मिनिमल तरीके से। समझ में आया सबको? ठीक है, एंड लास्ट है, आरी का ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगा? जिस दिन आपने इशू ओपन किया उस दिन आरी का ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, एंड क्लोजर के 4 दिन पहले तक चलेगा।
चार दिन पहले तक, लास्ट का चार दिन आपको भी तो सेटल करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली किसके पास में राइट एंटाइटलमेंट है, कौन अपना साइट को एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो सब के लिए टाइम दोगे ना, तो लास्ट का चार दिन के पहले पहले आपको अपना ये ट्रेडिंग बंद कर देना है। समझ में आया राइट एंटाइटलमेंट? ठीक है, समझ आए राइट एंटाइटलमेंट? तो बेसिक आइडिया क्या है राइट एंटाइटलमेंट का, जितने लोगों को भी राइट्स इशू के अंदर राइट मिल रहा है, जिस प्रपोर्शन में भी राइट मिल रहा है, अगर 3 शेयर्स का राइट है, अगर 4 शेयर का राइट है, तो आप उनके डीमैट अकाउंट में एक टेम्पररी ISIN लेके एक सिक्योरिटाइज फॉर्म का राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिट कर देते हो। ठीक है, कब तक करना है क्रेडिट? आपका इशू स्टार्ट होने के पहले तक क्रेडिट करना है। क्या फायदा होगा उससे? इससे दो फायदा होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि जो भी शेयर होल्डर उसको रिनाउंस करना चाहता है वो बहुत इजीली उसको रिनाउंस कर सकता है। कैसे करेगा? सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगा? ओपनिंग जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन, एंड कब खत्म होगा? क्लोजर से 4 दिन पहले। अगर मान लो आप फिजिकल शेयर होल्डर हो तो आपको क्लोजर से एटलीस्ट 2 दिन पहले अपना डीमैट अकाउंट का इन्फॉर्मेशन कंपनी को दे देना है, ताकि वो आपके अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट कर दे। समझ में आया? अच्छा, ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राइट एंटाइटलमेंट कब क्रेडिट करना होता है? तो ओपनिंग के 1 दिन पहले क्रेडिट करना होता है। एंड ये जो शेयर इशू किए जाएंगे केवल डीमैट फॉर्म में किए जाएंगे। एक और हम लोगों ने क्रेडिट एंटाइटलमेंट का पॉइंट छोड़ा था, ये रहा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, फॉर दी पर्पसेज ऑफ ऑफरिंग सच राइट एंटाइटलमेंट, किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे? कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, या हम लोगों ने रिजर्वेशन में ही पढ़ा ना, रिजर्वेशन में क्या पढ़ा था कि शेयर होल्डर्स को जब दोगे राइट इशू तो जो भी कंपल्सरली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है उनके लिए रिजर्व करके रखना पड़ेगा। मैंने उनके लिए रिजर्व कर दिया, कब मिलेगा उनको वो शेयर? जब कन्वर्ट होगा तब। तो अब क्या क्वेश्चन ये उठता है, तो फिर क्या राइट एंटाइटलमेंट अभी उनके अकाउंट में चला जाएगा? नहीं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के जो होल्डर्स होते हैं उनके डीमैट अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट भी बाद में जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है उसी दिन जाएगा। पहले से आप नहीं देके रखते हो उनको कुछ भी, समझ में आया? इवन दो दे आर गोइंग टू गेट इट कन्वर्टेड, बट आप पहले से देके नहीं रखोगे। क्यों? बिकॉज ये राइट एंटाइटलमेंट जाता है, कॉन्सेप्ट ही बनाएगा कि ये शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाएगा, कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर या सिक्योरिटी होल्डर्स का ऐसा कोई में बोला ही नहीं गया। समझ आया? तो राइट एंटाइटलमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 5-6 ही पॉइंट्स है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आराम से यहां से निकल सकता है। फटाक से ये रीड कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में गूगल मीट रखोगे? हैं? क्यों? देखते हैं, लेट्स सी। गुड, नहीं हाँ, तुम लोग को पता है ना मेरे को कितना विश्वास है तुम लोग पे। दिस इज 0। चलो रीड करो राइट एंटाइटलमेंट, ये लास्ट टॉपिक था जो आपको राइट इश्यू के अंदर पढ़ना था। ठीक है, इसके बाद आपको जनरल ऑब्लिगेशंस पढ़ने हैं ऑफ द इश्यूअर, दैट इज जो कंपनी राइट इश्यू कर रही है, एंड द इंटरमीडियरीज। पहले हाँ, उसको टाइम नहीं मिलेगा। एक सेकेंड, अगेन किसकी गलती की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है? उसके पास तो ऑप्शन था ना, वो पहले डिटेल्स दे सकता था। अगर तुमने पहले डिटेल्स दिया होता तुम्हारे अकाउंट पे पहले आ जाता और तुम पहले उसको ट्रेड कर सकते थे। तुमको चुल मचाया कि हम 8वें दिन पे ही जाके करेंगे, तो फिर उसमें सेबी भी तो एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकता है ना। अच्छा अच्छा, शेयर्स का 1 ISIN और आपके राइट एंटाइटलमेंट वाले सिक्योरिटी का 1 ISIN। इंडिविजुअल शेयर्स का नहीं रहता, इंडिविजुअल शेयर्स का नहीं रहेगा, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रहता है। तो रिलायंस का इक्विटी शेयर 1 ISIN, रिलायंस का प्रेफरेंस शेयर्स 1 ISIN, रिलायंस का राइट एंटाइटलमेंट 1। हाँ अच्छा, अगर मान लो आप इंडिविजुअल शेयर्स को अगर अलग अलग ISIN देने लग जाए तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, तो फिर आप फिर शेयर्स को फंजिबल नहीं बुला पाओगे। याद है फंजिबल? फंजिबिलिटी
हाँ कि बैंक में जब नोट्स देते हो तो सेम नोट वापस मिले जरूरी नहीं होता ना, लेकिन अगर आप और शेयर्स में भी यही होता है, आपने शेयर्स बेचा आपको कौन से शेयर्स आए ये कुछ होता नहीं, शेयर्स है आपके पास बस, राइट। लेकिन अगर आईएसआईएन देने लग जाए तो हर एक शेयर का एक आइडेंटिटी हो जाएगा, वो प्रॉब्लम आ जाएगा। चला आगे बढ़े, जनरल ऑब्लिगेशंस हाइलाइटर एवरीबॉडी, क्यों तेरे को हमेशा उल्टा जाना होता है हम जो बोलते हैं उससे, नहीं सब अच्छा लगता है, वेरी प्रिटी, आगे जाके एग्जाम में बहुत फायदा करेगा, डोंट वरी। चलो पहला, कोई भी इंसान किसी भी तरह का इंसेंटिव नहीं दे सकता है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, चाहे कैश में हो, काइंड में हो या सर्विस में हो, फॉर पीपल, ताकि वो आके एप्लीकेशन फाइल करे। मतलब अगर मान लो मेरे पास आया है राइट्स, राइट एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है, हैज टू बी एब्सोल्युटली माय डिसीजन। कोई भी इंसान मेरे को ये नहीं बोल सकता कि तुम एप्लीकेशन करो, तुम एक्सरसाइज करो अपना राइट्स, हम तुमको ये इंसेंटिव देंगे। तो आप लोगों को, शेयर होल्डर्स को राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए किसी भी तरह का इंसेंटिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैश काइंड सर्विस कुछ भी नहीं दे सकते, समझ आया। जितना भी पब्लिक कम्युनिकेशन पब्लिसिटी मटेरियल एडवर्टीजमेंट या रिपोर्ट्स है सब आईसीडीआर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग को पता है, ठीक है। जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप होस्ट कर रहे हो जहां जहां पब्लिक एडवर्टीजमेंट या न्यूज़पेपर्स में वेबसाइट में डाला, ये आपको इंश्योर करना चाहिए कि सबका एक प्रिंटेड वर्जन आप आरओसी के पास फाइल करो, एंड आरओसी के पास जो प्रिंटेड वर्जन फाइल हुआ है वो और आपका वेबसाइट वाला वर्जन एकदम कॉपी पेस्ट होना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करेंगे, आरओसी के पास कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और देंगे और पब्लिक को अच्छा दिखाने के लिए कुछ और देंगे, राइट। तो आपको इंश्योर करना पड़ता है कि वेबसाइट, आरओसी एडवर्टीजमेंट, जहां जहां पे भी आपने अगर ऑफर डॉक्यूमेंट दिया है, ऑफर डॉक्यूमेंट कॉपी पेस्ट है एक दूसरे का, देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन दोज ऑफर डॉक्यूमेंट, समझ आया। जो आपका लीड मर्चेंट बैंकर है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अलॉटमेंट, रिफंड, डिस्पैच, ये सारे मामलों में। मतलब वो ये नहीं बोल सकता कि चलो हमने आपका करा दिया, इशू अब खत्म हो गया, अब आगे जाके अलॉटमेंट खुद देख लेना। आपका लीड मैनेजर विल बी इन ऑफिस जब तक आपका पूरा का पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए, इंक्लूडिंग अलॉटमेंट, रिफंड, डिस्पैच, सिंडिकेट मेंबर से बात करना, बैंक से बात करना, बाकी इंटरमीडियरी से बात करना, एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेस करना इन्वेस्ट, ठीक है। कब तक, जब तक अलॉट होके, लिस्टिंग होके ट्रेडिंग स्टार्ट ना हो जाए। ट्रेडिंग जहां पे स्टार्ट हुआ आपका इशू क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर आपका लीड मैनेजर निकल के बाहर जा सकता है। तो जिस दिन आपने अनाउंसमेंट किया वहां से लेके लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग की डेट तक द लीड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। एंड द लास्ट इज, आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर बनाना पड़ेगा, हु विल बी अ, हु हैज टू, कौन होगा कंप्लायंस ऑफिसर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए जो आपके सिक्योरिटीज लॉ से कंप्लायंस एंड रिट्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस के बारे में ध्यान देगा। हिंदी बट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बोल रहे हम, क्योंकि पांच पॉइंट्स कहीं पे भी देखो, अगर पांच या छह पॉइंट्स है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा साइकोलॉजी समझो आईसीएसआई का, कि वो कौन से क्वेश्चंस पूछ सकती है, कौन से नहीं पूछ सकती, समझ आए। आइए लास्ट टॉपिक, डॉक्यूमेंटेशन। ये तो आप लोग पढ़ाने वाले थे मेरे को, नहीं ये तो आप लोग पढ़ाने वाले थे, कौन पढ़ाएगा, परदीन पढ़ाएगा, अच्छा ना तेरा ना मेरा ना, वाह वाह। ओ भाई साहब, ठीक है, ढाई पेजेस, ये अपने को बस देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, उनको बस हाईलाइट करना है, ठीक है। चलो हम लोग को दो तरह के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, प्री इशू, बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू एंड पोस्ट इशू, ठीक है। तो ये फटाक से अपने देख लेते हैं, तीन हो गए वैसे। अब प्री इशू में क्या क्या है, पहला एप्लीकेशन फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ठीक है, रेजोल्यूशन पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा, तीसरा शेयर होल्डर्स के द्वारा पास किया गया रेजोल्यूशन, अब चाहे वो ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए हो, चाहे वो आपका ये राइट इशू करने के लिए हो, राइट इशू के लिए तो खैर रेजोल्यूशन होता नहीं है, बट जो भी रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स ने पास किया वो आपका लगेगा। देन पैन, बैंक नंबर, पासपोर्ट नंबर सारे प्रमोटर्स का अगर वो इंडिविजुअल्स है तो, ठीक है, एंड पैन, बैंक नंबर एंड सीआईएन
सारे लोगों का, सारे प्रमोटर्स का, अगर वो लोग कंपनी है तो ठीक है। फिर CSN कंप्लायंस ऑफिसर का एक अंडरटेकिंग होता है जहां पे वो बताते हैं कि आपने सारे लॉ से कंप्लाई कर रखा है। लीड मैनेजर या मर्चेंट बैंकर का एक सर्टिफिकेट होता है जहां वो बोलते हैं कि आप एलिजिबल हो राइट इश्यू करने के लिए, कि राइट इश्यू जो है वो सारे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करता है ठीक है। देन फास्ट ट्रैक राइट इश्यू कर रहे हो तो रेगुलेशन 99 के हिसाब से आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने फास्ट ट्रैक के टाइम पढ़ा था। ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर का 10 कॉपी प्लस CD में एक सॉफ्ट कॉपी। CD मतलब CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, अरे वो जो नहीं पेन ड्राइव महंगा आता ना, तो कौन सा वो चलाने वाले वो सॉफ्ट कॉपी होता है उनके पास सिस्टम। हाँ CD में डाल के देना पड़ता आता है। देर हैज टू बी समबडी हु कीप्स दिस बिजनेस अलाइव ना CD का, तभी ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट इज प्रोसेसिंग फी, वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। समझ में आया सबको? वो बस क्लैरिफाई करने के लिए कंप्लायंस ऑफिसर। चलो नेक्स्ट, अब आओ ओपनिंग के जस्ट पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा फॉर्मेलिटी। फाइनल लेटर ऑफ ऑफर का 10 कॉपी आपको जमा करना पड़ेगा। कहां जमा करते वैसे? कौन सा? डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास ठीक है। आसबा का जो फी है, आपने आसबा फैसिलिटी ली उसका 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है राइट है। एंड लास्ट रिक्वेस्ट लेटर कंपनी का कि हमारे राइट एनाउंसिएशन फैसिलिटी को एक्टिवेट कर दो ताकि लोग इजिली अपना राइट अनाउंस कर सके। हाँ होता ही है ना। चलो नेक्स्ट पोस्ट इशू। पोस्ट इशू में क्या क्या करना पड़ता है? बिड का डेटा, बिड का डेटा मतलब किसने कहाँ रिनाउंस किया, कितने कहाँ एक्सरसाइज किया, वो पूरा डेटा निकाल के आप जमा करते हो ठीक है। नेक्स्ट जितने रिजेक्शंस आए उनका समरी स्टेटमेंट, बैंक में जितनी एक्टिविटीज हुई उसका स्टेटमेंट, अलॉटमेंट का जो मिनट्स है आपने बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड किया था उसका स्टेटमेंट, जो कि आपका लीड मैनेजर ROC और कंपनी तीनों के द्वारा साइन हुआ होना चाहिए। अलॉटमेंट शीट कैटेगरी के हिसाब से, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो किस फॉर्मेट में आपने उसको देखा, क्या कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है उसका पूरा समरी। मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो होता है वो SEBI के पास आपको फाइल करना पड़ता है एटलीस्ट 3 दिन का। लीड मैनेजर कंपनी एंड ROC से एक अंडरटेकिंग लेना पड़ता है। प्री अलॉटमेंट एंड पोस्ट अलॉटमेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाना पड़ता है कि पहले क्या था और अलॉटमेंट के बाद क्या हो गया। एंड एक्स राइट प्राइस जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर PCS नहीं तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बताता है। एक्स राइट प्राइस क्या होता है? एक्स मतलब कहीं पे भी एक्स आए मतलब विदाउट, तो राइट इशू होने के पहले या राइट इशू होने के विदाउट द राइट इशू व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द शेयर, दैट इज एक्स राइट ठीक है। एंड लिस्टिंग के टाइम पे आपको क्या क्या लगेगा? लिस्टिंग एप्लीकेशन, रेजोल्यूशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास किया अलॉटमेंट के लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न प्री एंड पोस्ट दोनों, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का आपका पूरा सर्टिफाइड कॉपी, ऑडिटर CA या CS के द्वारा सर्टिफिकेट कि जो भी अलॉटमेंट हुआ है वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हुआ है, कितना सिक्योरिटीज अलॉट किया गया फिजिकल फॉर्मेट में, कितना डीमैट फॉर्मेट में, उस सब का पूरा हिसाब। अंडरटेकिंग MD एंड कंप्लायंस ऑफिसर से कि हम लोग ने जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किया है अलग अलग अथॉरिटीज के पास वो सारे सिमिलर एंड आइडेंटिकल है, एंड आगे जाके अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो मतलब आप मेरे ऊपर आ सकते हो, हम लोग को कोई भी इनएलिजिबिलिटी नहीं लगाया हुआ है। कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर का अंडरटेकिंग एंड एनुअल लिस्टिंग फी। इनिशियल लिस्टिंग फी क्यों नहीं है? पहले से लिस्टेड कंपनी है तो इनिशियल लिस्टिंग फी देने का नहीं है, बस एनुअल लिस्टिंग फी देना पड़ेगा। और ट्रेडिंग अप्रूवल के लिए लेटर ऑफ रजिस्ट्रार जिसने ये कंफर्मेशन देगा कि ठीक है हम लोगों ने जितना भी इशू के बाद रिफंड वगैरह करना था या जितना भी सर्टिफिकेट्स वगैरह देने थे वो लोगों को हमें क्रेडिट कर दिया है। कॉन्फर्मेशन डिपॉजिटरी के द्वारा कि डीमैट फॉर्म में जितने लोगों को क्रेडिट करना था वो कर दिया है। सो बेसिकली अभी तो डीमैट वाला ही होता है, फर्स्ट वाला होता भी नहीं है। एंड लास्ट न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट जो आपने दिया था बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का उसका कॉपी ठीक है। राइट इशू में अपने को इतना ही पढ़ना था एंड इसके साथ 70 पेजेस कंप्लीट हो गए आपके ICDR के। अब इसके बाद अपना 2 इशू और है, QIP नहीं, इसके बाद है प्रेफरेंशियल, देन है QIP, देन आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी है थोड़ा सा, एंड ग्रीन शू ऑप्शन एक पैराग्राफ है। ये 4 टॉपिक्स है, एक पैराग्राफ है बस आपके में, बस इंट्रोडक्शन टाइप का दिया गया है, पहले से पढ़ा हुआ होगा आई एम श्योर, मतलब वो डिटेल में पढ़ना भी नहीं, बस बताया गया कि ये क्या ऐसा होता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट वगैरह होता है। हाँ ग्रीन शू ऑप्शन के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक है।
ठीक है। अब तो वो एक भी इतना भी दे दिया तो समझना तो पूरा ही पड़ेगा, पूछ तो कुछ भी सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हाँ करेंगे करेंगे। अब इसके बाद अपने करेंगे प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल इशू के बाद QIP, देन सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड 300 ऑप्शन। दो दिन में तो नहीं होगा, वील एम कि संडे को हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाए। हाँ वही सेम है, मोर ऑर लेस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अगर 10 तारीख है ना संडे आपका, 10 तारीख को ये कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक है IFSC का चैप्टर, एक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक है इंटरनेशनल फंडिंग, एक है डेट फंडिंग। ये चार चैप्टर्स है, जिससे से पहले दो चैप्टर्स 10-10 पेजेस के, तो दो दो तीन दिन लगेगा वो हो जाएगा। तो बाद जो इंटरनेशनल फंडिंग है वो कुछ 40 पेज का है, 40-50 पेज का है, एंड डेट फंडिंग कुछ 70 पेज का है। तो वो दो बड़े चैप्टर्स है, इसके बाद आई एम डेफिनेटली टेकिंग अ स्मॉल चैप्टर। अब बड़ा चैप्टर तो नहीं हो पाएगा, 12 बजे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। फिर मेरे को हम संडे ले पा रहे हैं यही सोच के कि चलो मेरे को एटलीस्ट सोने मिल जाएगा। अगर हम उसके सुबह आ गए तो फिर हम इसी से रिटेट हो जाएंगे कि हम एक दिन भी सो भी नहीं पा रहे। 12 बजे भी, 12 से 4, ना तो हम उससे पीछे करेंगे ना इससे आगे करेंगे। कब कितना बजे, अगर मान ले बहुत कम सिलेबस बचा तो जल्दी खत्म हो जाएगा संडे को, प्रॉब्लम नहीं है। यार मतलब ऑनेस्टली प्रेफरेंशियल में बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है, इट्स द सेम। आपका QIP में भी अब बस QI क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कौन होता है वो देखना है, कब होता है प्लेसमेंट वो देखना है, वही है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी पढ़ा हुआ है आपका, तो भी कुछ नहीं मतलब है, कुछ भी नहीं। अब आप लोग दो दिन में कितना ले सकते हो उस पर डिपेंड करता ना, क्योंकि आप लोग टायर्ड भी तो जल्दी हो जाते हो भाई। चलो ठीक है, समझ में आया राइट इशू सबको। चलिए तो ऑन दिस नोट फिर हमारा राइट इशू भी यहीं पे कंप्लीट होता है ICDR का। अब अपने को करना है प्रेफरेंशियल इशू, जो अपने स्टार्ट करेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे करते समाप्त, आप सबसे मिलेंगे हम कल सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।